दोस्तों आपको पता होगा ज्यादातर शोज टीआरपी लो होने के कारण ही ऑफ एयर चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी शोज होते हैं जिनके टीआरपी ठीक ठाक होने के बाद भी बंद हो जाते हैं, अनलकी रह जाते हैं। एक शो हुआ करता था जो कि कुछ ही दिन पहले ऑफ एयर हो चुका है, कार्टेल एलेंसन, जो कि मैडम सर से भी काफी ज्यादा मिलता जुलता था, फीमेल लीड पर बना हुआ शो था। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ जिसके लिए कार्टेल एलेंसन को अचानक बंद होना पड़ा? वैसे तो दोस्तों हमें पता है कार्टेल एलेंसन का टीआरपी इतना भी ज्यादा नहीं था, नहीं तो क्यों होता, लेकिन इतना खराब भी नहीं था जिसके लिए इतनी जल्दी इनको बंद करना पड़े। दरअसल दोस्तों एक्टर पारस जो डॉक्टर प्रमोद का रोल प्ले करते थे वो अचानक छोड़ जाते हैं कार्टेल एलेंसन और इसके बाद टीआरपी गिर जाता है। इतना भी नहीं 0.3-0.4 आ रहा था जो कि लगभग सारे शोज के कभी न कभी आते हैं, ऑफ एयर तो नहीं जाते हैं। दरअसल दोस्तों इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो था सोनी सब, जिनको की एक नया शो मिल गया था हीरो गायमोडॉन। ये शो से दोस्तों सोनी सब ने काफी उम्मीद लगाया था और प्रमोशन भी ठीक ठाक किया था। ये शो रेडी हो चुका था और सबको लगा था कि इसका टीआरपी अच्छा आ सकता है, जो कि हमें अभी पता है ऑफ एयर जा चुका है। तो एक शो को लाने के लिए एक शो को हटाना पड़ता है, इसीलिए शायद कार्टेल एलायंसेंस का टीआरपी उतना खराब ना होते हुए भी ऑफ एयर जाना पड़ा, नहीं तो लास्ट कुछ हफ्तों में भी इनका टीआरपी 0.3-0.4 मैंने अपने वीडियो में कवर की थी। अभी आप भी क्या कभी न कभी इस शो को टीवी पे देखा था? वीडियो को एक लाइक करके बताइएगा। मैं मिलूंगा फिर से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।